हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे कोर्स के पार्ट टू का वीडियो नंबर 12, व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न। आप सभी लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में तो सुना ही होगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न आखिर होता क्या है, और इनकम टैक्स रिटर्न की जो कम्प्लीट थ्योरी है मैं आपको इस टॉपिक में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के बाद में, इस टॉपिक के बाद में वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएगी। और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद, इस टॉपिक के बाद में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें ताकि आप तक मेरे वीडियोज़ पहुँचती रहे। और उसके साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है afzal.2524। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको इस टॉपिक के पीडीएफ में नोट डाउनलोड करने हैं तो पूरा पीडीएफ नोट्स तैयार किया हुआ है, आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई एम प्रेटी श्योर कि आप सभी ने इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में 100% सुना है, बट अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल हैं या कन्फ्यूज़न है तो फिकर नोट, आपकी ये कन्फ्यूज़न अब दूर होने वाली है। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, व्हाट इज इनकम टैक्स। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो टैक्स हमारी इनकम पर लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, और वो इनकम जो हमने एक साल में कमाई है यानी एक फाइनेंशियल ईयर में। और इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक मैंने जो भी इनकम की उस पर जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, और ये टैक्स भरने के लिए हमें जो रिटर्न लगाना पड़ता है उसे इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हु कैन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न को कोई भी फाइल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कोई बिजनेस होना चाहिए या खुद की कोई कंपनी होनी चाहिए, बल्कि हर वो बंदा जो किसी ना किसी तरह की इनकम करता है, चाहे किसी तरह की जॉब ही क्यों ना करता हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, टीचर्स, एडवोकेट, दुकानदार, डेयरी फॉर्म वाला, एवरीबॉडी, एवरी इंडियन कैन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं या कौन कौन सी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपके पास किसी तरह की फर्म होनी चाहिए या आपकी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए या किसी तरह की आपकी फर्म में परचेज होनी चाहिए या सेल होनी चाहिए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो है इनकम सोर्स, यानी आपका कोई भी एक ऐसा काम होना चाहिए जिससे आपकी इनकम होती है। फॉर एग्जांपल, भले ही आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही क्यों ना हो, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और मंथली 6-7-8 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिएगा, सबसे जो ज़रूरी है वो है पैन कार्ड। डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है पैन कार्ड, जो कि अनिवार्य होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। और इसके बाद में बैंक डायरी, आपके पास जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए देना पड़ता है। और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है फ़ोटो, यानी आपके एक फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ती है। अब उसके बाद में डिटेल ऑफ एसेट्स, यानी आपके पास खुद की कितनी संपत्ति है उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नाम से प्लॉट है या कोई मकान है या आपके पास पर्सनल कार है, उसकी डिटेल और वैल्यू, या आपके पास कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सारी डिटेल भी इनकम टैक्स रिटर्न में जाती है। और अगला जो पॉइंट है वो है डिटेल्स ऑफ लायबिलिटी, यानी आपसे लोग कितने रुपए मांग रहे हैं या करंट में आपका किस किस बैंक से लोन लिया हुआ है, इसकी डिटेल भी इनकम टैक्स रिटर्न में जाती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, व्हाट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा। कई लोग यही सोचते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने से डरते हैं।
टैक्स केवल उसी को ही भरना पड़ता है जिसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अंडर आती हो, या और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा निर्धारित की गई लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति कमाता है तो केवल उसे ही इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है। अब कोई बंदा साल के 84,000 रुपये ही कमाता है, यानी 7,000 रुपये महीना, अब वो सोचेगा कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरूँ या मैं सरकार को टैक्स क्यों भरूँ, मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर कोई बंदा है जो साल में 84,000 रुपये कमाता है तो वो भी बेझिझक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है, उसे कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है जब तक उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अंडर नहीं आती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इनकम टैक्स स्लैब्स। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि किसको इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है, यानी इनकम की कितनी लिमिट है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, या कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स हमें भरना पड़ता है। आइए हम यही जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको इनकम टैक्स का स्लैब बता रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी निकला है जिसके इनकम टैक्स रिटर्न अभी हमें फाइल करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्लैब है जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपये तक होती है, उसको 1 रुपया भी इनकम के टैक्स का नहीं भरना पड़ता है, यानी 2.5 लाख रुपये अगर आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा स्लैब जो है वो है 2.5 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये, यानी अगर आप साल के 2.5 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स का एक रूल चेंज हो चुका है। पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा होती थी तो आपको 5% टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब ये जो 5% टैक्स है उसकी हमें रिबेट मिल जाती है, यानी हमें छूट मिल जाती है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ तो अगर आपकी इनकम एक साल में 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्लैब है वो है 5 लाख रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये, यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये है एक साल की तो आपको 12,500 प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग, यानी 12,500 प्लस 20% आपको इनकम टैक्स रिटर्न के फाइल करने पड़ेंगे। अब ये देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, फिलहाल आप स्लैब को समझ लीजिए। उसके बाद में अगला जो स्लैब है, फोर्थ स्लैब, वो है अबव 10 लाख, यानी जिसकी इनकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा है उसको 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग, ये टैक्स उसको भरना पड़ता है। तो देखिए, ये तो है स्लैब। तो अब आपकी इनकम कितनी है, आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए बताऊँगा कि इनकम पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कि मेरी इनकम होती है 8,20,000 रुपये ईयरली, तो मैं किस स्लैब में आऊँगा, स्लैब नंबर 3, यानी मेरी इनकम है 5 लाख से 10 लाख, तो मुझे 12,500 प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम भरना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि मेरी इनकम 8,20,000 रुपये है एक साल की, तो मुझे कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, इनकम पर लगने वाले टैक्स को आपको स्लैब बाई स्लैब कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम स्लैब नंबर 1, यानी आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपये है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है। दूसरा स्लैब जो है वो है 2.5 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे 5 लाख का 5% टैक्स निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इनकम 2.5 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक है उस पर ही 5% टैक्स भरना है, यानी 2.5 लाख रुपये तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो सिंपली यहाँ पर होगा क्या कि जो आपकी इनकम 5 लाख रुपये है उसमें से जो 2.5 लाख रुपये की छूट है उसको निकालना पड़ेगा, यानी 5 लाख रुपये में से पहले 2.5 लाख रुपये कम होंगे। अब बाकी की जो मेरी इनकम बच रही है 2.5 लाख रुपये, उस पर मुझे 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 12,500 रुपये। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपये होती है तो स्लैब के हिसाब से 5 लाख पर 5% टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख का 5% टैक्स नहीं निकाला जाता है, उसमें से 2.5 लाख रुपये जो है वो सरकार की तरफ से छूट है, यानी 2.5 लाख रुपये जो हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो 5 लाख रुपये में से 2.5 लाख रुपये जो निकालने के बाद में पैसा बचता है उसमें 5% टैक्स भरना पड़ता है। तो ये तो स्लैब 2 में 5% इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा।
अब बढ़ते हैं स्लैब थ्री की तरफ। अब यहाँ पर मेरी जो इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा है वो है 8,20,000 रुपये, जबकि 5 लाख का जो इनकम पर टैक्स होता है उस पर 5% हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी की जो मेरी इनकम बचती है 8,20,000 माइनस 5 लाख बराबर 3,20,000, तो 3,20,000 का मुझे 20% टैक्स और भरना पड़ेगा, अर्थात 3,20,000 इंटू 20% बराबर 64,000 रुपये। तो अगर मेरी इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 8,20,000 रुपये है तो मुझे टोटल जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो होता है 12,500 प्लस 64,000 रुपये बराबर 76,500 रुपये। ये तरीका होता है इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने का। तो ये जो मैंने तरीका बताया है वो बताया फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2020-21। अब 2020-21 में फिर से इनकम टैक्स स्लैब जो है चेंज हो चुका है, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर में हम 2020-21 के इनकम टैक्स स्लैब के बारे में भी बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है रिबेट ऑन इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जिसकी इनकम 8,20,000 रुपये बन रही है उसको एक साल में सरकार को 76,500 रुपये टैक्स सरकार को पे करने पड़ रहे हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जिससे हम ये भरे जाने वाले टैक्स को कम कर सकते हैं। क्या ऐसा कह देना कि मैं एक साल के 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। तो जैसा कि 5 लाख रुपये तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो हम सोचेंगे कि हमारे 74,500 रुपये बच गए। नहीं, ये एक इल्लीगल तरीका है, इनकम को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। आपने सुना ही होगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, वो इसी वजह से पड़ती है। लोग क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए कम इनकम शो करते हैं, यानी सरकार की नज़र में उनकी कमाई साल की 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी टैक्स बचाने के चक्कर में कम कमाई दिखा रहे हैं, लेकिन खुद के नाम से बड़े बड़े बंगलों खड़े कर दिए, BMW गाड़ी खरीद ली। तो भाई साहब, आप ये सब कहाँ से लेकर जा रहे हैं, जबकि आप एक साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा रहे। इसका मतलब हो गया कि आप इनकम पर लगने वाले टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो ये तो दोस्तों देखिए इल्लीगल तरीका होता है, इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचाने का एक लीगल तरीका भी होता है जो एक अलग टॉपिक है, और इस पर भी एक पूरा वीडियो बन सकता है। तो वो चीज़ें मैं आपको अभी इस टॉपिक में नहीं बता रहा, उसके लिए मैं एक नया टॉपिक जल्दी बनाऊंगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, व्हाट इज एडवांस टैक्स। मेरे ख्याल से आप सभी ने एडवांस टैक्स का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडवांस टैक्स क्या होता है। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी जो इनकम हुई वो थी 8,20,000 रुपये और उस पर जो टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है वो है 76,500 रुपये, लेकिन यहाँ पर मुझे 1% इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा जो मंथली काउंट होगा, क्योंकि मैंने कोई भी एडवांस टैक्स नहीं भरा है। तो यहाँ पर मुझे जो भी टैक्स बनता है उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मेरा टैक्स बन रहा है 76,500 रुपये, लेकिन मुझे मान लीजिए कि 80,000 रुपये या 81,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है जो भी इंटरेस्ट मिला करके होता है। सो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको लगता है कि आपको अपनी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी टैक्स हो, तो वो टैक्स आप 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स के रूप में भर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके इनकम पर कोई भी किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगे। तो एडवांस टैक्स फाइल करने की भी लास्ट डेट होती है कि मान लीजिए कि मुझे लगता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 जो अभी शुरू हुआ ही है, वो जब ख़त्म होगा यानी मार्च 2021 में, तो इस पूरे साल में मैं 8,20,000 रुपये एक साल में कमाऊँगा, तो उस पर मान लीजिए कि मुझे 74,500 रुपये इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो मैं ये 74,500 रुपये बाद में ना भर के पहले ही 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस में डिपॉजिट करवा सकता हूँ, जिसकी लास्ट डेट कुछ इस तरह से होती है। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 जिसकी ड्यू डेट रहेगी 15 जून 2020 से पहले पहले, और इस तारीख से पहले पहले हम चाहे जितना एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि आपकी जो टोटल टैक्स बनेगा उसका 15% आप एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवाइए। इंस्टॉलमेंट नंबर 2 15 सितंबर 2020 से पहले पहले बननी पड़ेगी, और 45% ऑफ माय टोटल टैक्स लायबिलिटी, यानी जितनी भी मेरी टैक्स लायबिलिटी होगा उसका अब 45%, 15% हम ऑलरेडी पे कर चुके, अब बाकी का जो 30% रहेगा वो हमें पे करना है। अब मान लीजिए किसी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे की है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा 45% पे करना पड़ेगा।
अब चलते हैं अगला थर्ड इंस्टॉलमेंट की तरफ। थर्ड इंस्टॉलमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 15 दिसंबर 2020, और यहाँ तक आपको 75% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, यानी मुझे 74,500 रुपये टैक्स भरना है फ्यूचर में, तो उसका 75% मुझे थर्ड इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है तो। और अगर मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड पे की है तो 30% टैक्स ही भरना पड़ेगा। अब चलते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट की तरफ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ती है 15 मार्च 2021 से पहले पहले, और 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका 100% अमाउंट आप पे कर सकते हो। तो ये होता है एडवांस टैक्स, और इसकी ये लास्ट डेट रहती है, और इस तरीके से हम एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बेनिफिट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जो फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा, आपकी इनकम गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड इनकम होती है। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई बैंक वाला पूछता है कि आप ईयरली कितना कमाते हो, और आप कहेंगे कि 1.5 लाख रुपये, तो ये आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन इस बात को प्रूव करेगा इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल करवाया होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आपके द्वारा कमाई जाने वाली इनकम को वेरीफाई करने का एक सर्टिफिकेट है। और दूसरा जो फ़ायदा है, यही मेन फ़ायदा रहता है, कि आपको किसी भी तरह के लोन की ज़रूरत है तो सबसे पहले बैंक वाले इनकम टैक्स रिटर्न ही मांगते हैं। यानी अगर आपका फ्यूचर में प्लान है कि आपको लोन लेना है तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो सबसे पहली बात कि इनकम टैक्स रिटर्न एक साल में केवल एक ही बार लगाया जा सकता है, और वो भी तब जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आज 12 अप्रैल 2020 है और रिसेंटली 31 मार्च निकला है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो है 2019-20। अब मान लीजिए मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है, तो मैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकता हूँ। यानी लास्ट डेट जो है वो है 31 जुलाई 2020, लेकिन ये लास्ट डेट सरकार द्वारा आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो मैंने आपको बता दी। यानी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो कुछ भी आपको पता होना चाहिए वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक टॉपिक और रह जाता है, वो है कि इनकम टैक्स को कैसे हम बचा सकते हैं, यानी इनकम टैक्स को कैसे सेव किया जा सकता है। वो थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, उसको हम फिर कभी क्लियर करेंगे। लेकिन एक और टॉपिक है जिसे हम अगले टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स रिटर्न एंड सेल्स टैक्स रिटर्न। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो इस टॉपिक के अगर आपको PDF में नोट डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।